नमस्कार मित्रों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने YouTube चैनल मेडिकल दोस्त में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगाबिड 50 mg कैप्सूल के बारे में। तो इस कैप्सूल का उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो के एंड तक बने रहे, तभी आपको इस कैप्सूल के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पे आसानी से मिल जाएगी। MRP की बात की जाए तो 10 कैप्सूल के MRP 117 रुपये, 10 कैप्सूल के MRP है। और इसमें शॉर्ट मिलाया गया है प्रेगाबिलिन 50 mg, इसमें शॉर्ट मिलाया गया है। और इस दवा को मैन्युफैक्चर करता है इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा। इस टेबलेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं किन किन बीमारियों में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आपको नसों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, डायबिटिक न्यूरोपैथिक दर्द रहता है, कमर का दर्द, साइटिका का दर्द रहता है, नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में सूजन है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। तो इस कैप्सूल का डोज रहता है, एक एडल्ट व्यक्ति को एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप इस कैप्सूल का उपयोग करें। दोस्तों, इस कैप्सूल लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि कब्जे बनना, सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, पेट में गैस बनना, धुंधली नज़र, वजन बढ़ना। इस कैप्सूल लेने के बाद अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो जानते हैं किन किन लोगों को इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है, शुगर के पेशेंट है, हृदय की कोई बीमारी है, लीवर के कोई बीमारी है, या फिर काला मोतियाबिंद है, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। प्रेग्नेंसी महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ, आप अपनी मर्जी से इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। अल्कोहल के साथ इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, और आप अपनी मर्जी से इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। डॉक्टर की पर्ची होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी मर्जी से इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।